अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपके साथ आपका टीचर हसान अयूब। और इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक जो देखा था डेट वॉज अबाउट ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स में एक कंपाइलर देखा था हमने, उसकी प्रॉपर आज डेफिनेशन भी हम देख लेंगे कि कंपाइलर की क्या डेफिनेशन, और आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट शुड यू हैव राइट एज आंसर। सबसे पहले सवाल तो हमारा ये बनता है कि IDE क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो अल्लाह ने हमें एक प्रॉपर, जैसे कि एक इंसान इधर बात कर रहा है और दूसरा इंसान इधर है, इधर से ये बात कोई कर रहा है और इस तक इसने वो बात सुननी है, ठीक है। तो दरमियान में अल्लाह ने हवा, जिसको हम एयर कहते हैं, वो दी हुई है और एज अ मीडियम काम करती है, क्योंकि अगर ये हवा ना हो, एक तो सांस हम नहीं ले सकते, दूसरा हमारी आवाज़ इधर से इस साइड पे पहुंच ही नहीं सकेगी, ठीक है। तो इस वजह से मीडियम है एयर, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ इधर तक आती है, इसके कान तक, और ये बात सुन के आगे से उसके मुताबिक रिस्पोंड करते, कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह देखे ना, ये पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है ना, इसी तरह हमने जब एक इंसान ने कंप्यूटर के साथ काम करना है तो वहाँ पे भी तो हमें दरमियान में कोई इन्वायरमेंट चाहिए ना, जिसकी मदद से इंसान कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करे, कंप्यूटर को काम कह सके कि हाँ जी मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है और इसके मुताबिक मुझे आंसर दो। जैसे कि कैलकुलेटर्स के अंदर मोबाइल ऐप्स आप देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें IDE के बारे में पता होना चाहिए। IDE इज़ अ सॉफ्टवेयर डैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है, इट मीन्स टू हेल्प अदर, फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सबसे पहले इन्वायरमेंट, आपका एग्जाम्स हो रहे होते हैं, उसका एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट से आप हटेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगी। घर पे आप तैयारी करें किसी भी चीज़ की तो उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, अगर वो इन्वायरमेंट ना दिया जाए तो आपकी कंसंट्रेशन बरकरार नहीं रहेगी। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम बनाते हुए एक इन्वायरमेंट होता है, जिसकी मदद से हम प्रोग्रामर की हेल्प करते हैं, और हेल्प किस काम में करते हैं, प्रोग्राम लिखने में, जिसको हम प्रोग्राम बनाना कहते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में। एग्जीक्यूट का मतलब है उसकी आउटपुट, उसका रिजल्ट देखने में, उसका रिजल्ट देखने में, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे, IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट देता है, जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्रामर्स की मदद कर सकते हैं कि वो कोई भी प्रोग्राम लिख सके और उसकी आउटपुट या उसको एग्जीक्यूट कर सकें, और ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, और शॉर्ट एस IDE। उसके बाद एन IDE हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इट इज़ यूज़र, सी नहीं है, इसको आप क्या कहेंगे, UGUI। ग्राफिकल हम कहाँ पे कहेंगे, जहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह, अभी मैं आपको इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि हम इसको ग्राफिकल कहते क्यों हैं, प्रैक्टिकल दिखा के ग्राफिकल, बल्कि अभी देख लेते हैं। इसमें देखें मुख्तलिफ तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं, बटन्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। फाइल के बाद मैं न्यू के, फाइल के बाद मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये तो ऑप्शंस आ गए, ठीक है। और ये नीचे आइकन्स आपको मुख्तलिफ कामों के लिए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रन करना है, कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ तरह से आइकन्स की मदद से और इन बटन्स की मदद से काम कर सकते हैं, ठीक है। जब किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको शो होने लग पड़ते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं अपनी स्लाइड पे। ग्राफिकल की समझ आ गई, क्योंकि इसके अंदर यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास विंडोज़ या बटन्स होते हैं, ठीक है, बटन्स या आइकन्स होते हैं, जो कि भी मैंने आपको दिखा दिए। IDE हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मीनिंग डैट, आगे उसको बता रहा है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता क्या है। अ यूज़र कैन इंटरेक्ट विद इट यूजिंग विंडोज़ एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। मतलब
जब भी यूज़र ने कोई इनपुट देनी है, कोई अल्फाबेट्स एंटर करने हैं, ठीक है, तो वो इनपुट यूज़र से लेने के लिए, और उसके बाद अगर इनको मैं प्लस कर देता हूँ तो उसकी आउटपुट शो करने के लिए भी हमारे पास एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे हमारे पास ग्राफिकल स्क्रीन होती है, कुछ इमेजेस, कुछ बटन्स, कुछ आइकन्स की मदद से वहाँ पे सारा शो हो रहा होता है। अभी प्रोग्राम एक बनाऊंगा, उसके बाद हम देख लेंगे किसका कैसे मुख्तलिफ आइकन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, शॉर्ट कीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एन आईडी कंसिस्ट ऑफ टूल्स। टूल्स का मतलब कि कुछ इसके अंदर ऐसे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जिसकी मदद से, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। एन आईडी कंसिस्ट ऑफ टूल्स डेट हेल्प अ प्रोग्रामर थ्रू आउट द फेजेस ऑफ राइटिंग, टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब आईडीई के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर की हेल्प करते हैं थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब कंप्लीट फेज। कंप्लीट फेज के अंदर मतलब है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके ए से लेके जेड तक, फर्स्ट स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक वो कुछ टूल्स प्रोवाइड करते थे जिसकी मदद से प्रोग्रामर राइट कर सकता है, लिख सकता है अपने प्रोग्राम्स, उसको टेस्ट कर सकता है कि जो मैंने प्रोग्राम बनाया वो सही है या नहीं, और अगर सही होगा तो उसकी आउटपुट या उसका रिजल्ट फिर कंप्यूटर प्रोग्राम का हम देख सकते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। विजुअल स्टूडियो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तकरीबन विजुअल स्टूडियो ही है, काफ़ी इसका साइज़, इंस्टॉलेशन साइज़ अगर कहें तो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद एक्स कोड, कोड ब्लॉक्स और डेफ सी प्लस प्लस। डेफ सी प्लस प्लस को हाईलाइट मैंने इस वजह से कर दी है क्योंकि हम जिसके अंदर काम करेंगे तमाम का तमाम प्रैक्टिकल को, वो डेट विल बी अ डेफ सी प्लस प्लस। हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, डेफ सी प्लस प्लस को। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर, एडिटर जो है वो एडिट से निकला है, ठीक है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे टेक्स्ट को लिखा जा सके और लिखने के बाद उसको एडिट किया जा सके, तो उसे टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। अ टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर डेट अलाउज प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर्स को, प्रोग्रामर वही शख्स है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, जो कि प्रोग्रामर्स को इजाज़त देता है, अलाउ करता है कि वो लिख सके, अपना प्रोग्राम राइट कर सके। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, या अगर कोई चेंज करना है, कोई तब्दीली करना चाहता है तो वहाँ पे वो तब्दीली कर सके। ऑल आई डी ईज हैव दे ऑन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर्स। डेफ का नाम लिया, विजुअल स्टूडियो का नाम लिया हमने, एक्स कोड का नाम लिया, तो जितने भी टेक्स्ट एडिटर्स हैं, जितने भी आई डी ईज हैं, उनका हर एक का टेक्स्ट एडिटर अलग होता है। ऑन स्पेसिफिक का मतलब है कि उनके अंदर हर किसी का टेक्स्ट एडिटर अलग होगा। अलग से मुराद है कि थोड़ा बहुत ऑप्शंस, कलर्स, शेड्स, आइकन्स थोड़े से चेंज होंगे। सबका काम वही है कि टेक्स्ट लिखना, उसको उसकी आउटपुट शो करना। फिर इट इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ आईडीई वेयर वी कैन राइट अवर प्रोग्राम्स। मतलब आईडीई इनकी मेन स्क्रीन जहाँ पे प्रोग्रामर ने सारा का सारा काम करना है, तमाम के तमाम सोर्स कोड लिखने हैं। सोर्स कोड दोबारा रिवाइज करवा दूँ जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हो, जहाँ पे प्रोग्रामर ने सोर्स कोड या हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है, वो कौन सी जगह होती है? टेक्स्ट एडिटर। मतलब टेक्स्ट एडिटर इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ आईडीई वेयर प्रोग्रामर्स कैन राइट देयर प्रोग्राम्स। उसके बाद अगला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर मैं प्रोग्राम लिखता हूँ तो उसकी आउटपुट किसी ना किसी जगह पे तो डिस्प्ले करनी है ना, तो आउटपुट जिस जगह पे डिस्प्ले होती है उसको हम कह देते हैं कंसोल स्क्रीन। एमसीक्यू में भी चीज़ इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्क्रीन विच डिस्प्लेज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, मतलब ऐसी स्क्रीन जहाँ पे प्रोग्राम की आउटपुट हमें नज़र आती है, उसे हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं, भी मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आखिरी आज की जो डेफिनेशन है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट इस कंपाइलर। बहुत आसान है, इसकी डेफिनेशन हम पहले देख भी चुके हैं। कंपाइलर असल में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कन्वर्ट करना, कन्वर्जन किस चीज़ को, ऐसा प्रोग्राम जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हो और वो उसको किस में चेंज कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। देखें, अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ
कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को कन्वर्ट करना जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, उसको चेंज किस में कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। तो ये एक ही लाइन की डेफिनेशन है। ये देखें फ्लो चार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल का क्या मतलब है कि इस जगह पे आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई सोर्स कोड लिखा है, सोर्स कोड को कंपाइलर को जब देते हैं तो वो उसको क्या करता है, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद ऑब्जेक्ट कोड हमारा किस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट सॉरी सोर्स कोड किस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को हम बाइनरी फाइल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड हमारा जीरो और वन की फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट फाइल या बाइनरी फाइल हमारे पास आ जाती है तो उसके बाद कंपाइलर खुद से कुछ फाइल्स को अटैच करता है आपके प्रोग्राम के साथ, और उसके बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। कौन सी फाइल बना देता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसी होती है कि जिसके ऊपर आप दो बार क्लिक करें और वो आपको आउटपुट शो कर देता है, ठीक है। तो उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर काम कर लेते हैं कि इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ये जब भी आपने इसको ओपन करना है तो सबसे पहले अच्छा सबसे पहले डेफ सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करने का लिंक आपको इधर ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो देख लें। इसको इंस्टॉल कर डाउनलोड कैसे करना और इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले फाइल पे जाना है, उसके बाद न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हम सोर्स फाइल बनाने लगे हैं तो वी विल क्लिक ऑन द सोर्स फाइल। इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि वो काम की नहीं, हम इसके ऊपर काम करेंगे। फिलहाल मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा कि हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड कुनायो डॉट एच वो इंट मेन प्रिंट एफ। ये सारी चीज़ अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले लेक्चर्स में एक एक चीज़ देखेंगे कि किस तरह ये सारी की सारी चीज़ें क्यों लिखी हैं, कैसे काम करती हैं। प्रिंट एफ हेलो क्लास 10, बस एक लाइन मैंने डिस्प्ले करनी है, हेलो क्लास 10, और आखिर पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाता है और फिर एक फंक्शन लिखते हैं गेट सी एच। एक एक चीज़ मैं आपको सारी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस चीज़ को हमने क्यों लिखा है, ठीक है। फिर उसको इसके हमने प्रोग्राम लिख लिया, ये हेडर फाइल्स हैं। इसके बाद इंटीजर मेन, मतलब मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ हमने दो स्टेटमेंट्स लिखी है, पहला प्रिंट एफ स्टेटमेंट और दूसरा गेट सी एच। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, पी मैंने कैपिटल लिखा था जो कि मिस्टेक है। क्यों, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी फंक्शन जितनी भी चीज़ें हैं वो लोअर केस के अंदर होगा, कैपिटल में एरर आता है, डेट इज सिंटैक्स एरर। इसको एग्जीक्यूट करना है सीधा कंपाइल एंड रन। जब वो कहेगा कि आप इसको किस जगह पे सेव करना चाहते हैं तो ये पहले से एक फोल्डर बनाए हुए है, पार्ट टू सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स करवाता हूँ मैं, तो वहाँ पे है। तो इसका नाम, फाइल नेम आप इधर लिखेंगे डिस्प्लेइंग स्टेटमेंट, क्यों एक सिंपल स्टेटमेंट हमने डिस्प्ले की है ना, स्टेटमेंट का क्या नाम है, हेलो क्लास फ्रेंड। और इसको अगर आप किसी और जगह पे सेव करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, जो सी भी ड्राइव के अंदर आप सेव करना चाहते हैं, डी या ई या जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं समझाने के लिए इसको डेस्कटॉप के ऊपर करने लगा हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद एरर और वार्निंग्स जीरो है, मतलब कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। और ये जो आउटपुट अभी आपको शो हो रही है ना ब्लैक स्क्रीन पे, इसको हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। और जो स्टेटमेंट आप इधर लिखेंगे इस जगह पे वही स्क्रीन वही आउटपुट आपको एग्जैक्टली इधर आएगी। एक और प्रिंट एफ में लगा देता हूँ, प्रिंट एफ वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल से सुन रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें डेट डजेंट मैटर, वो इतना एरर इशू होता ही नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है, कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें इशू नहीं होगा। मगर
प्रिंट एफ, स्कैन एफ हम यूज करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, मेन इंट, इनमें से अगर कोई चीज़ कैपिटल लिखेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। इसको दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, शॉर्टकट की आप याद रख लें बेशक, F11। अब देखें, हेलो क्लास फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अब हालांकि देखें, ये मैंने एक अलग लाइन पे प्रिंट एफ लिखा है, मगर आउटपुट उसी जगह पे आ गई है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि बैक स्लैश एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि बैक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। इसके बाद अगला वाला प्रिंट एफ जो है आउटपुट नीचे वाली लाइन पे शो करेगा, देखें ऐसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ जो भी मैंने आपको समझाई है वो समझ आ चुकी होगी। इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, ये देखें, ये आप फिलहाल इस पे फोकस करें, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमारी सोर्स फाइल है, और ये जो फाइल है ना, आप देखें, इसके ऊपर मैंने सिंपली क्लिक किया, मुझे वो आउटपुट शो होने लग पड़ी है, ठीक है। इवन अब देखिए, मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, अपने IDE को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। देखें, ये वो फाइल है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है, डबल क्लिक किया मुझे रिजल्ट शो करेगा। इसके अलावा हम मज़ीद बेहतर प्रोग्राम भी बनाएंगे, उसके अंदर आप इसको देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। और इस कोड के अंदर चेंज करना हो तो इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, डेफ के अंदर ओपन करें, और यहाँ पे जो चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वाला टॉपिक, ये जो चीज़ें आज हमने सीखी हैं, दैट आर अबाउट IDE, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, और एक प्रोग्राम हमने बनाया, इसको बनाना कैसे, सेफ कैसे करना, वो चीज़ें आपने देख ली हैं, नज़र के सामने से गुजरी हैं, तो आई होप कि आपको वो समझ आ चुकी होंगी। नहीं समझ आई, कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, फीडबैक है, अच्छी फीडबैक है, बुरी है, कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना और अपने वालदैन का बहुत सारा ख्याल रखें।